नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बलवीर कुशवाहा को बौड़ापुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि बलवीर एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने के मामले में फरार चल रहे थे। बौड़ापुर थाना प्रभारी विवेक अस्टाना के मुताबिक बलवीर कुशवाहा निवासी खल्लासीपुरा शिंदे की छावनी एक मामले में फरार था। पुलिस को सूचना मिली थी कि बलवीर अपने घर आया है। इसी सूचना पर पुलिस ने उसके घर पर दबिश देकर उसे पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार लेनदेन के एक मामले में 11 नवंबर 2017 को पुलिस ने बलवीर और उसके एक अन्य साथी के खिलाफ साकरताल रोड पर नीलेश पांडे नामक फरियादी पर जानलेवा हमला करने के आरोप में प्रकरण पंजीवृत किया था। बलवीर तभी से फरार चल रहा था। यहां बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बलवीर कुशवाहा को ग्वालियर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। जी, 11 नवंबर 2017 की घटना है। सागरताल चौराहे पर जो फरियादी ने रिपोर्ट करी है, फरियादी नीलेश पांडे ये सागरताल चौराहे से निकल रहे थे तो वहाँ पर एक बलवीर का कुशवाहा और उनके एक जो मोटरसाइकिल पे एक अन्य साथी था उससे इनका मुवाद हुआ रुपए पैसे के लेन देन के ऊपर से। बलवीर काछी से नीलेश पांडे का रुपए पैसे का लेन देन का मामला था जो उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है। उसी विवाद के ऊपर से जो बलवीर काछी के साथ अज्ञात व्यक्ति था उसने तो हाथ मुखों से मारपीट करी फरियादी नीलेश पांडे की और बलवीर काछी ने कट्टे से इनके ऊपर फायर कर दिया जो इनकी पीठ में लगा था नीलेश पांडे की। तो उस समय तत्काल इनको अस्पताल पहुँचाया गया था और रिपोर्ट पर धारा 307(34) का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। जी, बलवीर काछी तब से फरार चल रहे थे। अभी ये सूचना मिली थी कि ये अपने खल्लासीपुरा स्थित घर के बाहर जो डीडी मॉल के पीछे है वहाँ पर है। सूचना मिलने पर इनको राउंड अप किया गया है और लेके आए, पूछताछ की जा रही है। ये अभी सुनने में आया कि शायद इनको किसी पार्टी ने इनको टिकट दिया है। बाकी पूरी जानकारी पुलिस तो जो प्रकरण पंजीबद्ध है उसमें जो विवेचना में तथ्य है उनके अनुसार कार्रवाई कर रही है। ग्वालियर 2019 लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। सभी दल के प्रत्याशी अपने कार्यालयों पर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर चुनाव की रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। इसी के चलते आज मोदी हाउस में भाजपा ने एक बैठक का आयोजन किया जिसमें शहर व ग्रामीण के सभी कार्यकर्ताओं को सभी मंडल अध्यक्षों से सुझाव लेकर अपने अपने क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। देवेश शर्मा ने बताया कि देश में मोदी लहर कायम है, इसके चलते हम मध्य प्रदेश में पिछली बार से भी ज्यादा इस बार सीटों पर भाजपा को जिताएंगे। जनता पार्टी निरंतर कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहकर पार्टी की रीति नीति को बढ़ाने का काम करती है। हम सब जानते हैं कि चुनाव 12 मई को ग्वालियर में संपन्न होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे मोर्चे हैं, मंडल हैं, प्रकोष्ठ हैं, उनकी सबकी बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। लोग वार्डों में जाकर घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। विधानसभा के प्रभारी, मंडलों के प्रभारी और वार्डों के प्रभारी घोषित किए जा चुके हैं। सारे लोग अपने अपने मंडलों की बैठकों में और वार्डों की बैठकें और मतदान केंद्रों पर क्या व्यवस्था रहने वाली है उसकी ये बैठक है। 60 वार्डों में हमारे जनसंपर्क प्रारंभ हो चुके हैं। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, जनजाति मोर्चा, हमारे प्रकोष्ठ हैं, शिक्षा प्रकोष्ठ, विधि प्रकोष्ठ, सैनिक प्रकोष्ठ, ऐसे हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, सहकारिता प्रकोष्ठ, ऐसे कई प्रकोष्ठ हमारे हैं जो निरंतर लगे काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखने को मिलेगा कि जिस तरह से जनता में माहौल है मोदी जी को लेकर और हमारा पार्टी के कार्यकर्ता में जितना उत्साह है उस उत्साह को देखते हुए अगर हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में पिछली बार से अधिक सीटें मिलने वाली हैं ऐसा प्रतीत होता है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिंदे की छावनी पर गुरुवार की रात स्कूटर सवार दो युवकों ने युवती शबीना शेख का पर्स लूट लिया। पर्स में मोबाइल फोन व 2000 रुपए रखे थे। बताया गया है कि शबीना मुंबई से यहां विनय नगर में रहने वाली अपनी मौसी से मिलने के लिए आई थी। वह शिंदे की छावनी में खरीदारी करने के बाद रात लगभग 8:30 बजे वापस विनय नगर जा रही थी, तभी स्कूटर सवार दो युवकों ने झपट्टा मारकर पर्स लूट लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है।
ये दो बहनें थी सबीना से को कैसा खान, यहाँ इनका मायका है, मायके में आई थी इनके पास। शान शौकत के यहाँ जो रोड पर जा रही थी तो बच्ची रोने लगी, तो उसको वो संभालने लगी, तो इनका बैग लिए थे हाथ में, तो दो लड़के जो मोटरसाइकिल पे थे, स्प्लेंडर गाड़ी बताई जा रही थी, उसमें नंबर वो नहीं देख पाई, मुंह ढके थे दोनों, पर्स उसका खींच के ले गए, तो उसमें एक मोबाइल फ़ोन था और 2000 रुपये थे इनके। टाइम ही करा रहे हैं हम लोग, तस्दीक करा रहे हैं। पुलिस चौकिंग पर तो उधर नहीं रहता है शान शौकत को, कल जब तक सूचना दी तो मोटरसाइकिल से भाग जाते हैं, हालांकि कंट्रोल रूम के जरिए तत्काल नाकाबंदी तो करा दी गई थी, क्योंकि नंबर नहीं था जो होलिया बताई थी जैसे कपड़ों के हिसाब से। तभी तो विनय नगर सेक्टर में इनका मायका है, क्योंकि शादीशुदा हो चुकी है, तो एक वो करौली में रहती है, इंदौर में रहती है, अपनी मामा के पास आई। मुरैना पुलिस परेड ग्राउंड में एक आम सभा का आयोजन किया गया। यह आम सभा मुरैना भयोपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में की गई। इस सभा में मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह व जिला अध्यक्ष केदार सिंह यादव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जब मध्य प्रदेश में बिजली गुल होती है तब मामा याद आता है, और मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों के कर्जा माफ अभी तक नहीं किया गया, जबकि 10 दिन की बात कही गई थी। वहीं भाजपा जिताने के लिए कहा कि आप यहाँ से भाजपा को जिताएंगे तो मोदी के कंधे मजबूत होंगे। इसी सभा के समापन के दौरान शहर के मुख्य मार्गों से होकर एक विशाल रैली निकालकर जौहर सिंह शर्मा कक्का की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और आम जनता से आशीर्वाद लिया। हम भरपूर बिजली दे रहे थे, आज ये केवल दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं। सरकार चलाने पर ध्यान नहीं है, जन समस्याओं के निराकरण पर ध्यान नहीं है। कोर्ट ने उनको बरी किया है, एक साध्वी को भगवा आतंक के नाम, अरे हिंदू का भी आतंकवादी हो सकता है। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का साध्वी प्रज्ञा पर बड़ा बयान सामने आया है। साध्वी प्रज्ञा के धर्म युद्ध वाले बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भोपाल में चुनाव धर्म युद्ध नहीं बल्कि दो विचारधाराओं के बीच युद्ध है, जिसमें एक तरफ मुट्ठी भर लोग हैं और दूसरी तरफ सूट बूट वाले लोग हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनता की विचारधारा वाले लोग हैं, लेकिन इस युद्ध में जीत प्रजातंत्र के सत्य की होगी, साथ ही भोपाल से दिग्विजय सिंह चुनाव जीतेंगे। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने एक दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आए हुए थे, वे यहां से चुनावी दौरे शिवपुरी और गुना के जाएंगे, साथ ही कल यानी कि शनिवार को शिवपुरी में अपना लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। मैं किसी प्रत्याशी के ऊपर कभी मैं टिप्पणी नहीं करता। देखिए, ये प्रजातंत्र का उत्सव है, ये युद्ध है दो विचारधारा, भारत के दो विचारधाराओं के बीच में। एक विचारधारा है जो केवल मुट्ठी भर लोगों के लिए होती है, सूट बूट वालों के लिए होती है, और वे एक विचारधारा है जो जनता के लिए होती है। और मैं मानता हूं कि सत्य की जीत होगी, जनता की जीत होगी, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। वहीं सिंधिया के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, धर्म और अधर्म हर जगह होता है, इस चुनाव में भी धर्म अधर्म है, लेकिन कांग्रेस अधर्म के रास्ते पर है, तभी तो राहुल गांधी को अपना जनेऊ दिखाना पड़ता है। बीजेपी राष्ट्रवाद में आस्था रखती है, धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है, उसके लिए हम जीते हैं और मरते हैं। देखिए, झूठ का सारा तो कांग्रेस को लेना पड़ रहा है, इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई रास्ता है नहीं। और जहाँ तक धर्म और अधर्म की बात है, धर्म और अधर्म हर जगह होता है। अगर चुनाव है तो चुनाव में भी धर्म है और अधर्म भी है। कांग्रेस का रास्ता अधर्म का रास्ता है, इसीलिए तो उनको धर्म की बात करना पड़ रही है, नहीं तो राहुल गांधी को जनेऊ दिखाने की ज़रूरत क्या है? राहुल गांधी को इससे पहले मंदिर नहीं गए, अब मंदिर जाने की ज़रूरत क्या है? वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद में आस्था रखती है,
नैतिक मूल्यों में आस्था रखती है और धर्म में आस्था रखती है। धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र धर्म के लिए ही जीते हैं और राष्ट्र धर्म के लिए मरना पड़ा तो मरेंगे। हनुमान जयंती के अवसर पर ग्वालियर के बड़ाव स्थित मंझापूर्ण हनुमान मंदिर पर भक्तों की भीड़ का तांता लगा रहा। शुक्रवार की सुबह से ही श्रद्धालुओं का हनुमान जी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हुए दिखाई दिए। शाम के समय इस मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तों ने भगवान के दर्शन कर हनुमान चालीसा का पाठ किया और अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगी। आज तो हनुमान जी का जन्मदिन है, पूरे देश के अंदर उत्साह लोगों के अंदर है कि आज करुणा निधान कृपा करने वाले हनुमान जी महाराज इस संसार के मालिक हैं, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी हैं, कलयुग के राजा हैं और आज उन्हीं का जन्म उत्सव पूरे संसार के अंदर मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ भी उसकी तैयारियाँ कई दिनों से चल रही थी, वो दिन आज हम लोगों को देखने को मिला और आज सवेरे आज हमारे यहाँ मंदिर में 5:30 बजे प्रथम आरती की गई। ग्वालियर के हजीरा स्थित गौसपुर नंबर 1 में रहने वाले विष्णु राजपूत के घर चोरों ने बीती रात हाथ साफ कर दिया। विष्णु राजपूत भोपाल में सरकारी कर्मचारी हैं, भोपाल में ही परिवार सहित रहते हैं। यहाँ उनके मकान में उनके रिश्तेदार किराए से रहते हैं जो कि शादी समारोह के दौरान बाहर गए थे। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने घर के ताले तोड़कर लाखों का माल पार कर दिया। ग्वालियर थाना क्षेत्र में रहने वाले विष्णु राजपूत भोपाल से वापस आकर ही आकलन कर पाएंगे कि चोरी कितने की हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ग्वालियर से संवाददाता अनिल सिकरवार की रिपोर्ट। ये तो अपन को अनुमान नहीं है, जो आएंगे उन्हीं को पता चलेगा कितनी चीज थी, कितना क्या पैसा था। अपन को तो जानकारी मिली, अपन तुरंत चले आए। चोरी जी रात में ही हुई है? नहीं, अभी तो मेरी से बात ही नहीं हुई, उनको तो बातचीत नहीं हो पाई उन्होंने, तो अभी आ रहे हैं, उनको पता चलेगा क्या है क्या नहीं था। हाँ, हुआ अंदाज था, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो किराएदार रहता है, वो बता रहे हैं कि किराएदार कहीं शादी में चला गया है, शाम को शादी में चला गया है कल। हाँ, भोपाल आते जाते रहते हैं, यहाँ ग्वालियर उनका आना जाना भी रहता है। पुलिस ने अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, उन्होंने एक मोहल्ले से पंचनामा बना के ले गई है। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।